यहाँ पर तो मैं आपको उस चीज को अभी दिखाना जा रहा हूँ, तो चलो यहाँ पर उस चीज को लाते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर हैप्पी डे। तो गाइस यहाँ पर तो सुबह सुबह मैं उठ के तो ब्रश करके तो रेडी हो चुका, मगर हमारा मिट्टू रात भर इस घर पे रुका था। तो देखो यहाँ पर ये दोनों तो उठ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर तो आज है रामनवमी, तो इसीलिए मेरी और हमारे मिट्टू तरफ से आप सभी लोग को शुभकामना। तो चलो गाइस आज तो इस रामनव के लिए मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। तो उस चीज को तो मैं कई दिनों से तो बना लिया था, मगर मैं आपको नहीं दिखाया था। तो आज उस रामनवमी के लिए मैं आपको उस चीज दिखाऊंगा। तो उस चीज का मैं आपको अभी हिंट देता हूँ। तो उस चीज राम जी का सबसे पहला फेवरेट चीज है, तो आप लोग तो अंदाजा लगा लिया होगा। तो चलो मैं तो आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दोपहर के टाइम को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो मिट्टू को तो खाना दे दिया, तो अब बारी है हमारे मिट्टू को, लेकर चलेंगे बारी को। तो चलो बारी को जाने से पहले यहाँ पर हम सभी लोग बोलते हैं जय श्री राम। यहाँ पर तो हमारा मिट्टू तो नहा के तो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा मिट्टू नहा के कैसे बैठा हुआ है। तो मैं तो यहाँ पर नहाया नहीं, तो चलो मैं चलता हूँ नहाने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। तो देखो गाइस आज रामनवमी है, इसीलिए घर की द्वार पे कैसे फूल रखा हुआ है इस साइड की ओर और फिर इस साइड की ओर। तो यहाँ पर तो मैं नहा के हमारे चौराहे पे आज राम जी के नाम पे फूल चढ़ा कर तो आ चुका हूँ। तो चलो यहाँ पर थोड़ा बहुत बैठते हैं, और कुछ देर के बाद मैं आपको जो आज जो सुबह बोल रहा था कि राम जी की फेवरेट चीज़ को मैं जो बनाया हूँ, कई दिनों से तो बनाया था मगर मैं आपको नहीं दिखाया गया था। मैं सोचा था कि आज मैं रामनवमी को आपको दिखाऊंगा, तो आज मैं आपको दोपहर पर उस चीज़ को दिखाऊंगा। तो आप तो इस अंदाज़ा लगा लिया होगा वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर तो मैं बैठ के हमारी मोबाइल को देख रहा था, तो मैं सोचा कि तो अभी तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो क्या करे। तो मैं इसीलिए बैठ चुका हूँ हमारी मेरी पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर आ चुका है हमारी डायरी। तो देखो इस डायरी की हालत ख़राब हो गई थी, मगर मैं इसको देखो कैसे सेलो टेप की मदद से और यहाँ पर फेविकॉल की मदद से इसको चिपका के रेडी रखा हूँ। तो यहाँ पर तो मम्मी जी गई हुई थी राम के मंदिर, तो यहाँ पर प्रसाद आया हुआ है। तो आज हम खाएंगे ये नारियल, तो इस नारियल को सबसे पहले तोड़ेंगे और फिर खाएंगे। तो चलो यहाँ पर जोर से तेजी से इसके ऊपर, ओके फाइनली हमारे नारियल का टुकड़ा हो गया। तो मैं कितने सारे नारियल को तो लेकर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर बैठ के खाऊंगा। तो यहाँ पर तो हमारा मिट्टू को तो दे दिया है खाने के लिए। तो देखो आज कितनी धूप हो रही है। तो देखो गाइस यहाँ पर आज कितनी तेजी से धूप हो रही है। तो चलो यहाँ पर तो मिट्टू को दे दिया और मुझे भी थोड़ा बहुत भूख हो रही है, तो मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए। ये हमारा वाटर राइस, और ये है आलू और सेब, और ये हरी मिर्ची नहीं तो लाल मिर्ची, और ये है नमक। तो अब हम इसको चकटना है। तो यहाँ पर तो हमारा आलू और सेब की चटनी तो रेडी हो चुका है। यहाँ पर तो मेरी खाना पीना तो हो चुका है। यहाँ पर अभी हमारी मम्मी जी यहाँ पर कटहल की करी बना रही है। चलो यहाँ पर तो हमारा खाना तो खत्म हो चुका है, तो अब बारी है उस चीज को मैं आपको दिखाने का। तो चलो हम चलते हैं हमारे भगवान के घर पे। तो गाइस यहाँ पर तो मैं हमारे भगवान के घर पे तो आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको उस चीज को दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेम देता हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो कुछ भी किया हूँ, तो प्लीज अपने घर पे कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाऊंगा और फिर इस वीडियो में जो कुछ भी करूंगा, तो प्लीज अपने घर पे कुछ भी ट्राई मत करना। यहाँ पर तो मैं आपको उस चीज को अभी दिखाने जा रहा हूँ, तो चलो यहाँ पर उस चीज को लाते हैं। टन टन। तो गाइस ये रहा वो चीज जो कि मैं आपको सुबह बोल रहा था। तो मैं आपको तो सुबह जरूर बोल रहा था कि इस चीज राम जी के सबसे पहले फेवरेट चीज है, तो आप लोग तो अंदाजा लगा लिया होगा। तो ये एक धनुष, एक तो नहीं ये दो धनुष है। तो मैं इसको तो कई दिनों से तो बना लिया था, मगर मैं आपको तो रिवील नहीं किया था। तो आज देखा कि आज रामनवमी है, तो इसलिए मैं आपको मेरी प्यारी सी दो धनुष को मैं आपको रिवील किया आपके साथ। तो देखो गाइस इस धनुष को मैं, ये जो बांस होता है बाम्बू, इसे मैं बनाया हूँ, और इसके ऊपर देखो किसे फिनिशिंग लगाए रखा है, इसलिए किसे चमक हो रहा है। तो ये धनुष आपको कैसा लगा आप कमेंट पे जरूर बताना। तो देखो इस धनुष की लंबाई, तो इस धनुष को तो मैं नाप रहा था, तो इस धनुष की हाइट है 4.3 फीट। तो यहाँ पर तो तीर नहीं है, मगर मैं आपको
तो ये कैसे साउंड कर रहा है गाइस, देखो ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, देखो कैसे साउंड कर रहा है ये, हाथ पे काफी ज्यादा प्रेशर भी पका रहा है क्योंकि ये जो प्लास्टिक की वायर में लगा रखा है तो ये धनुष इतना पावरफुल है, ये जो धागा में प्लास्टिक की रखा हूं तो इसको भी तोड़ लेता है। तो देखो ये कैसे साउंड कर रहा है। तो इस धनुष को बनाने के लिए मुझे लगभग 2 वीक की टाइम लगी क्योंकि तो इससे तो धनुष नहीं बनता, तो इसीलिए इसको सबसे पहले बांबू को अच्छे तरीके साइज करके ये इसे प्लेन किया और फिर उसके बाद ये कलर वलर सब करके दो वीक लगा है। तो गाइस यहाँ पर देखो मेरी धनुष को मैं जमीन पे रखा हूँ तो इसकी लंबाई देखो कहाँ से यहाँ से लेकर वहाँ तक है, कितनी बड़ी धनुष है। तो यहाँ पर तो ये कैमरा का फ्रेम पे तो नहीं आ रहा इसीलिए मैं कैमरा को जस्ट ऊपर कर रहा हूँ, तो देखो ये कितनी बड़ी धनुष है हमारी। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से दोबारा से बोल देता हूँ, इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने किया है प्लीज़ अपने घर पे कुछ भी ट्राई मत करना। यहाँ पर तो मैं बचपन से धनुष पे खेलना अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन तो धनुष नहीं बना सकता, तो अब तो जान चुका हूँ धनुष कैसे बनता है। तो बचपन पे मैं ये जो छोटी छोटी लकड़ी है उसको ऐसे टेढ़ा करके मैं धनुष बना रहा था, मगर अब तो मुझे धनुष बनाना आ गया तो इसीलिए मैं यह बनाया हूँ। सबसे पहले इस धनुष को मैं किससे फिनिशिंग कर रहा हूँ तो इसके ऊपर देखो कैसे चमक हो रहा है, तो इसके ऊपर की ओर और इसकी पीछे की ओर भी कितने चमक हो रही है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कैसे चमक हो रहा है। चलो यहाँ पर तो मैंने आपको हमारी ये जो आज शुभ की रामनवमी है तो इसी खुशी पे मैं आपको मेरी धनुष तो दिखा लिया। तो चलो फिलहाल गाइस आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस यदि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के साथ अपेंड करना, और फिर जाने से पहले मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं जो कुछ किया गया है प्लीज़ अपने घर पर कुछ भी ट्राई मत करना। तो चलो जय श्री राम।